WWE ने कंफर्म किए दो बड़े स्टील केज मैचेस एंड स्टेफनी मैकमैन ने बताया गेबल्स डिविजन का फुल टाइम कब आएंगे वो परफॉर्म करने। हम बात करेंगे सोनिया डेविल कब मैचेस लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी एंड हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बारे में। WWE ने एक बुक कर दिया है टाइटल मैच, तो इस वीडियो का एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करता है, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ के लिए। WWE ने कर दिया एक टाइटल मैच बुक। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन का जो है काफ़ी अच्छी फ्यूड चल रही है एंड उसके अंदर लिव मॉर्गन को मिल चुका है मौका अभी वो रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने का एंड मंडे नाइट रॉ के लिए इनका मैच हो चुका है बुक एंड वो होने वाला है बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच रॉ वुमेन्स टाइटल मैच एंड फाइनली मिल चुका है लिव मॉर्गन को मौका रॉ वुमेन्स टाइटल मैच के लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एंड वो हमारी जुड़ी हुई है सोनिया डेविल से। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं सोनिया डेविल को एज ए बैक स्टेज काम कर रही है एंड उनका लास्ट मैच देखने को मिला था मैंडी रोज से, जहाँ पर जो है लूजर्स लिस्ट वाला मैच था ना, यहाँ पर जो है वो चले गई थी एंड वो वापस आए एज अ रेसलर नहीं एज अ ऑफिशियल, जो कि हमें बैक स्टेज नजर आ रही है एडम पियर्स के साथ एंड और वो कब तक अपनी वापसी करेंगे, लड़ते हुए कब नजर आएंगे, तो रिपोर्ट सामने आ चुके हैं। तो रिसेंटली हम स्मैकडाउन लाइव में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नियोमी एंड सोनिया डेविल के यहाँ पर फ्यूड चल रही है, एक दूसरे को घूर रहे हैं, यहाँ पर इनका फ्यूड ही चल रही है एंड यहाँ पर आगे चल के इनकी फ्यूड शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सोनिया डेविल है ज़रूर वो कुछ ना कुछ करेंगी नियोमी को एंड वहाँ से इनकी फ्यूड शुरू हो जाएगी, वो एक्शन में नजर आएगी लगभग रसल मिलने के वक्त पर। ऐसा नहीं है कि अभी ऑफिशियल से बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर उनका करियर भी है WWE में, तो यहाँ पर वो ज़रूर एक्शन में नज़र आएगी आने वाले टाइम में, शायद वो रिसल मिलने के टाइम पर हमें नज़र आ जाए एक्शन में नियोमी के अगेंस्ट मैच में। तो जैसे कि हमको सिचुएशन लग रही है स्मैकडाउन लाइव में नियोमी के एंड सोनिया डेविल के बीच। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एंड वो हमारी जुड़ी हुई है स्टेफनी मैकमैन ने कहा गेबल्स डिविजन के बारे में, कब करेंगे वो फुल टाइम परफॉर्म WWE में। तो रिसेंटली बताया स्टेफनी मैकमैन ने एडम एप्पल्स एट द मार्च ऑफ डीम्स इवेंट में कि बताया यहाँ पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गेबल्स डिविजन वो अभी परफॉर्मेंस सेंटर में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि उनकी स्कूल कंप्लीट हो जाएगी, उनका सीखना परफेक्ट हो जाएगा, वैसे ही वो ड्राफ्ट किए गए हैं रॉ में, तो वो जरूर हमें फुल टाइम हमें रॉ में नज़र आएंगे लड़ते हुए। गेबल्स डिविजन अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं परफॉर्मेंस सेंटर में, तो यहाँ पर वो जल्दी से वो परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग ले लेंगे एंड यहाँ पर जल्दी से हमें गेबल्स डिविजन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नाम है एंड यहाँ पर जो है इन्हें कर्ट एंगल की तरह लोग समझ रहे हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं गेबल्स डिविजन, लेकिन देखना काफ़ी ज़रा इंटरेस्टिंग होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की तरफ एंड वो हमारी जरूरी है WWE ने कन्फर्म किए दो बड़े स्टील केज मैचेस। MSG यानी कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जहाँ पर WWE कई इवेंट्स कराती है, रॉ स्मैकडाउन एंड कोई बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं वहाँ पर। 26 दिसंबर को वहाँ पर जो एक इवेंट होने वाला है उसके लिए WWE ने दो बड़े स्टील केज मैच बुक कर दिए एंड वो होने वाले हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये मैचेस होने वाले हैं। पहला मैच होगा बेकी लिंच वर्सेस बियांका बेलर के बीच रॉ वुमेन चैंपियनशिप मैच और एक स्टील केज मैच होने वाली है एंड बेहतरीन मैच होगी क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में काफ़ी अच्छे मैचेस भी होते हैं। एंड दूसरी मैच होगी हमें WWE चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि होगी बिग ई वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवंस के बीच, जिसमें केविन ओवंस ऐड किए गए थे मंडे नाइट रॉ में, बट यहाँ पर भी सेमी मैच बुक कर दी गई है। यहाँ पर जो स्टील केज मैच वाली स्टिपुलेशन ऐड है MSG वाले एरिना में, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लगभग WWE में तो ये दो ही मैचेस बुक कर दिए, तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या देखने को मिलता है MSG वाले अरीना में। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दें एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक कितना, गुड बाय, टेक केयर।